Hello everyone, today in this video, now we are going to study chapter 1st, algebra of matrix. Now let's start. What is matrix? Matrix kya hoti hai? Matrix is an arrangement of number into some row and some column. If there are number of row and number of column, that matrix is called M cross N matrix. Usko hum kya bolenge? M cross N matrix. Isme hamare paas jo सेट होते हैं वो क्या होते हैं, एम रो होते हैं और एन कॉलम होते हैं. नंबर जो होते हैं, एम रो जो होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है और कॉलम जो वर्टिकली होते हैं. उसके बाद आते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. ईच ऑफ एम और एन नंबर जो होते हैं, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एन एलिमेंट. उसके बाद आता है नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स. नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, हमें नोटेशन देनी पड़ती है मैट्रिक्स को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ए आई जे एंड, ये हमें क्या होती है, नोटेशन होती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को. ठीक है, उसके बाद हमें मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर. हमें मैट्रिक्स डिनोट करने के लिए एक सिंगल कैपिटल लेटर की नीड होती है, जो हम ए बी सी एक्सेट्रा कुछ भी ले सकते हैं. उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स हैविंग एम रो एंड एन कॉलम इज सेट टू बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन. जब हमारे पास नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन. जैसे कि ये एग्जांपल गिवन है हमारे पास, ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस. अब मैं आपको बोलूँ कि ए की, ए मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या होगा, इसमें देखो कितनी रो एंड कितने कॉलम है, दो रो है और तीन कॉलम है, तो टू इंटू थ्री की मैट्रिक्स होगी. इसमें देखो तीन कॉलम है और तीन रो है, तो ये थ्री ऑर्डर थ्री की मैट्रिक्स बन गई हमारे पास. उसके बाद आते हैं डायगनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे. इसमें हम क्या बोलते हैं, इफ आई इज इक्वल टू जे होगा, या व्हेन रो एंड कॉलम सफिक्स आर इक्वल, देन वी कैन से डैट कि डायगनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. तो हम उसको क्या बोलेंगे, जब हमारे पास आई और जे इक्वल हो गए मैट्रिक्स के एलिमेंट, जैसे कि ए इलेवन ए ट्वेंटी टू ए थर्टी थ्री, ये इक्वल है, देन हम इसको क्या बोलेंगे, डायगनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स. उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल डायगनल ऑफ मैट्रिक्स. The order of set of all diagonal element of a given matrix is called principal diagonal of matrix. A हमारे पास ये matrix है, then its principal diagonal क्या बनेगा इसके, 1, 3, 4, इसको हम क्या बोलेंगे, principal diagonal of matrix. उसके बाद आता है हमारे पास row matrix, जिसमें हमारे पास only one row, उसे हम क्या बोलेंगे, row matrix. ये देखो इसमें one row है but column दो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, row matrix. इसको भी रो मैट्रिक्स बोलेंगे. इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 इंटू 2. इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 इंटू 3, क्योंकि इसमें 1 रो है एंड 3 कॉलम है. उसके बाद आती है कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास ओनली 1 कॉलम हो, इज कॉल्ड है कॉलम मैट्रिक्स. ये देखो इसमें 1 कॉलम है पर रो 2 है, इसमें 1 कॉलम है पर रो 3 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारा, 2 इंटू 1 एंड 3 इंटू 1, क्योंकि इसमें 3 रो है एंड 1 कॉलम है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 3 इंटू 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. उसके बाद आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन इज सेट टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ एम इज नॉट इक्वल टू एन. जब हमारे पास नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं हो, देन हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. मतलब मीन्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आयताकार फॉर्म में हो, मतलब नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ कॉलम रो नॉट इक्वल हो. ठीक है, ये देखो इसमें, इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 3, तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या बनेगा, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या बनेगा, 2 इंटू 3, और इसमें 3 इंटू 2, तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. उसके बाद आता है स्क्वेयर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इक्वल हो, तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वेयर मैट्रिक्स. ये देखो 2 रो है एंड 2 कॉलम है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वेयर मैट्रिक्स. इसमें 3 कॉलम एंड 3 रो है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वेयर मैट्रिक्स. उसके बाद आता है डायगनल मैट्रिक्स. डायगनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, अ स्क्वेयर मैट्रिक्स इन विच ऑल दी नॉन डायगनल एलिमेंट आर 0. जिसमें हमारे पास एक ऐसी स्क्वेयर मैट्रिक्स जिसके डायगनल एलिमेंट को छोड़ के अदर एलिमेंट जितने भी हो गए वो सब 0 हो गए, उसको क्या बोलेंगे, डायगनल मैट्रिक्स. उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स. अ स्क्वेयर मैट्रिक्स इन विच
all known diagonal element are zero and diagonal element are equal. जो एक ऐसी स्क्वेयर मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नॉन डायगनल एलिमेंट जो है वो जीरो हो और जो डायगनल एलिमेंट है वो तीनों इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ये देखो इसमें हमारे पास स्क्वेयर मैट्रिक्स है, ये नॉन डायगनल एलिमेंट भी जीरो है और जो डायगनल एलिमेंट है वो भी इक्वल है तो इसको क्या बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगनल एलिमेंट जीरो हो और जो डायगनल है वो वन हो उसको क्या बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें हमारे पास एक जो ट्रेंग इसमें देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स बनती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है वो देखो जो प्रिंसिपल डायगनल से नीचे वाले एलिमेंट होते हैं वो सब जीरो हो तो हम क्या बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब प्रिंसिपल डायगनल से ऊपर वाले एलिमेंट ट्रायंगल जीरो हो तो उसको क्या बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये देखो इसमें ये प्रिंसिपल डायगनल है, ये डायगनल से नीचे वाले एलिमेंट सब जीरो है तो इसको क्या बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि डेफिनेशन से देखो इट इज़ अ स्क्वेयर मैट्रिक्स, स्क्वेयर मैट्रिक्स है इन विच ऑल एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगनल आर जीरो, प्रिंसिपल डायगनल से बिलो वाले एलिमेंट सब जीरो है तो ऊपर एक ट्रायंगुलर बन रहा है तो ये अपर ट्रायंगुलर हो गया और इसमें एक ट्रायंगल नीचे बन रहा है तो ये क्या हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वेयर मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो तो उसको क्या बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आती है कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स में क्या होता है हमारे पास जब हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है और उन मैट्रिक्स में एम इज इक्वल टू पी एंड एन इज इक्वल टू क्यू मीन्स ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ ऑर्डर एंड बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल हो देन हम क्या बोलेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स। ये देखो ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं दो और बी में नंबर ऑफ रो दो, इसमें नंबर ऑफ कॉलम तीन एंड इसमें नंबर ऑफ कॉलम तीन तो एम इज इक्वल टू पी एंड एन इज इक्वल टू क्यू इक्वल है तो इसको हम क्या बोलेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब देखो बी और सी में ये कंपेरेबल मैट्रिक्स बनेगी, बी में देखो नंबर ऑफ रो कितने हैं दो और इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं तीन तो ये क्या होगी दिस इज नॉट अ कंपेरेबल मैट्रिक्स। उसके बाद आती है इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे आर सेट टू बी इक्वल व्हेन जब ए इज इक्वल टू बी, हम इसको इक्वल मैट्रिक्स कब बोलेंगे जब ए इज इक्वल टू बी होगा। ये देखो दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, एक तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेकेंड देखो द एलिमेंट इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स आर इक्वल ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। एग्जाम्पल देखो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है ये एक मैट्रिक्स बी है, यहाँ हम दो रो है हमारे पास एंड थ्री कॉलम, इधर देखो दो रो है एंड तीन कॉलम है, नंबर ऑफ ऑर्डर सेम है हमारे पास, उसके बाद देखो आई एंड जे है ए आई फॉर्म एंड बी आई, देखो यहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं ए इज इक्वल टू थ्री सेवन एंड बी इज इक्वल टू एट एंड सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड टू एंड वन आर इक्वल तो इसको हम क्या बोलेंगे इक्वल मैट्रिक्स। उसके बाद इन पर बेस्ड एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके थैंक यू।